बहुत सारी हरियाणा की रूरल एरिया है, स्टूडेंट्स ऐसे हैं, इनमें बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत कुछ करना चाहते हैं। इनकी सोसाइटी इस तरह से है कि इस एक्स एज आने के बाद उनकी इमीडिएटली शादी हो और उसके बाद जो उनकी लाइफ होती है आंसू आ जाएंगे आपके अगर आप देखेंगे। स्टूडेंट्स मेरे को कॉल करते हैं कि वो अभी मेंटली उस हिसाब से नहीं होती है कि शादी के लिए बंधन में बंधे, बट पढ़ना चाहती हैं। इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री इन एवरी वे, रूरल एरियाज में कहाँ से भी बच्चे आते हैं और वो भी पढ़ाई करते हैं और बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हैं। वो आगे पढ़ना चाहती हैं, ये सजेस्ट करती हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन का माध्यम से वो अपने आप को कहीं भी रोके नहीं, बिकॉज ये लाइफ की चीज़ें हैं जो लाइफ में होंगी होंगी। जन्म लेना, बड़े होना, पढ़ाई करना, शादी करना और आगे अपनी गृहस्थी को कराना, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ। मैं शुरू से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कह लीजिए, एडवाइस कह लीजिए और एज अ फ्रेंड मशवरा कह लीजिए, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट नो योरसेल्फ। Hello everyone, welcome back to the episode 3 of the talk show brought to you by College Tour. Today we are having a very special guest with us. She has the experience of 15 plus years in the education sector. Right now she is serving as Assistant Director Corporate Resource Center, Amity University. Please join me in welcoming Dr. Ruby Singh. Thank you so much ma'am for joining us today. My pleasure. मैम, इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी दैट यू हैव जॉइंड अस टुडे, यू हैव कम टू आवर स्टूडियो। अपने डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं बस यही चाहता हूँ कि आप अपने अपना इंट्रोडक्शन, अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए, ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो फिर अच्छे से कनेक्ट कर सके आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। बहुत मेरी चाह थी कि मैं नौजवान जो स्टूडेंट्स हैं अपने इंडिया के, उनके लिए उनके बेनिफिट के लिए कुछ बोलूँ और कुछ शेयर करूँ। आज जो कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, तो स्टूडेंट्स के प्रति मेरा लगाव शुरू से ही था। कुछ एक जब मैं अपना करियर कॉर्पोरेट करियर में थी और नॉर्थ इंडिया और ऑल इंडिया लेवल पे सेल्स हेल्प कर रही थी काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के, सो देन ऑल्सो आई हैड दैट इन माई माइंड कि कुछ एक मौका मिले तो मैं कंट्रीब्यूट करूँ। लाइफ ने एक मोड लिया और आई लेफ्ट माय जॉब विद दैनिक भास्कर ग्रुप एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग। सो आपके लिए स्ट्रेंज लगेगा कि अ लेडी एट द टॉप ऑफ अ करियर लीडिंग एंड यू नो फोकसिंग सारा टाइम और अपनी सारी कैपेसिटी अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, सो दैट ब्रॉट अ चेंज। तो एमटी के साथ तब मेरा साथ शुरू हुआ और जैसे जैसे मैंने अपना टाइम स्टूडेंट्स के साथ बिताया तो मैंने देखा कि स्टूडेंट्स जो हैं बहुत कुछ चाहते हैं और कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में हमारे ज़रिए। तो मैंने काफ़ी कोशिश की है और अभी तक मैं स्टूडेंट्स के साथ जुड़ी हुई हूँ उनको अपनी मंजिल तक पहुँचाने के लिए। तो मैम, यू जस्ट लेफ्ट योर जॉब एट दैनिक भास्कर और आपने कहा कि अब मैं अपनी पूरी लाइफ स्टूडेंट्स को डिवोट करती हूँ। बिल्कुल। तो यू आर राइट नाउ वर्किंग ओनली फॉर द स्टूडेंट्स। यस, दैट इज़ वेरी ट्रू एंड यू विल नॉट बिलीव, आप तो आए हैं, आपने देखा है कि जो भी मैं ये मानती हूँ जो भी सच्चे मन से स्टूडेंट्स के लिए कुछ काम करते हैं तो वो ज़रूर सक्सेस होता है, चाहे आप हो चाहे हम हों, क्योंकि हम तत्पर हैं ड्यू टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो ऑनलाइन एजुकेशन का एक बहुत गोल्डन मैं फेस कहूँगी हमारे इंडिया में है, जहाँ स्टूडेंट्स के पास कोई लिमिटेशन नहीं है, वो जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं, जितने भी स्किल्स अपस्किल करना चाहते हैं, जितना भी पढ़ाई, उनके पास कोई बाउंड्रीज नहीं है। यूट्यूब इज़ अ वेरी बिग मीडियम जहाँ मेरे अपने बेटे और बेटी ने बहुत कुछ सीखा और काफ़ी क्लास से आगे बढ़कर और मैं कहती हूँ देश विदेश की बुलंदियाँ भी उन्होंने नापी हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी और मैं सबको एडवाइस भी स्टूडेंट्स को यही करूँगी कि अपने आप को कभी भी असमर्थ या लिमिटेड नहीं समझें,
आप अपने आप अपनी बातों को अपने आप को साझा करिए अपने मेंटर्स से, अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की, या अपने जो प्रोफेसर्स हैं या मेंटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, स्कूल हो या कॉलेज हो, स्टूडेंट जो भी हैं, बच्चे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो ठान लें अपने मन में तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज जो कोरोना के बाद का, कोरोना के बीच का जो करियर चेंज आया है, जो आउटलुक आया है ऑनलाइन एजुकेशन में, वो मैं कहती हूँ कि एक बहुत बड़ा संदेश लेके आया है हमारी स्टूडेंट्स के लिए। आप जानते ही हैं इंडिया इज़ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, तो उसमें ऑलमोस्ट 60% जो यूथ रहेंगे आने वाले सालों में, तो दे विल प्ले अ मेजर रोल शेप करने में इंडिया को भी और पूरे वर्ल्ड में। ऑनलाइन एजुकेशन न सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनको एक नया चांस दिया है कि अपनी लाइफ में कुछ करने का। मैं आज भी बहुत पढ़ाई करती हूँ और रिसेंटली मैंने अपनी PhD कंप्लीट की है। हालांकि मैंने ग्रेजुएट 80s में किया था, बट देन ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स आई हैव ऑलवेज यू नो अपस्किल माई सेल्फ। और जो आपका एसेस ऑनलाइन मीडिया, ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर से है, उसका आगे और भी ज़्यादा आपका महत्व रहेगा। मैंने जो अपने करियर में, एजुकेशन करियर जो 15 साल के करीब हो गए हैं, उसमें देखा है जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने आते हैं और पढ़ के जाते हैं, तो किसी वजह से जैसे ठेट रूरल एरियाज़ में, वहाँ से भी बच्चे आते हैं और वो भी पढ़ाई करते हैं और बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हैं, पर वो आगे पढ़ना चाहते हैं। तो इसमें मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन का माध्यम से वो अपने आप को कहीं भी रोके नहीं, भले वो गृहिणी बन गए हैं जैसे मैं भी गृहिणी, बिकॉज ये लाइफ की चीज़ें हैं जो लाइफ में होंगी होंगी, जन्म लेना, बड़े होना, पढ़ाई करना, शादी करना और आगे अपनी गृहस्थी को बढ़ाना, दीज आर पार्ट ऑफ लाइफ, सो दिस विल हैपन, चाहे अभी हो चाहे 2 साल 5 साल वट एवर टाइम बाद भी हो, बट इससे आपकी पढ़ाई कहीं रुकनी नहीं चाहिए। आपकी आपकी अपस्किलिंग जो है, आप अपने स्किल्स को और मजबूत करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप ऑनलाइन का सहारा ले सकते हैं और इससे बेटर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ कॉलेज टूर में भी, जैसे कि हम ऑनलाइन से ही रिलेट करते हैं, तो हमारे यहाँ भी बहुत सक्सेस स्टोरीज है कि मतलब वो पढ़ना चाहते हैं, घर के कारण, घर के इश्यूज़ के कारण, कुछ ऐसे इश्यूज़ है, इकोनॉमिक इश्यूज़ है, तो वो वहाँ से निकल नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। तो जैसे अभी आपने मेंशन किया कि आपका 15+ का एक्सपीरियंस है एजुकेशन इंडस्ट्री में, तो आपने काफ़ी गहराई से डीपली एजुकेशन इंडस्ट्री को देखा होगा, तो क्या ड्रेस्टिक चेंज देखते हो आप मैंटेलिटी में, स्टूडेंट्स में, एजुकेशन सेक्टर में, जो 15 साल पहले था और अब है, क्या ड्रेस्टिक चेंज आपके अकॉर्डिंग है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, बच्चे जब आते हैं तो बड़े इनोसेंट होते हैं, स्कूल से सीधा आते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, मौज मस्ती में दिन बीतता है, दोस्तों यारे फ्रेंडशिप्स हैं, धीरे धीरे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में मेच्योरिटी आती है, बाय द टाइम दे कम इन टू द फोर्थ ईयर उनके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और वो काफ़ी कॉन्शियस हो जाते हैं कि बनना क्या है लाइफ में। तो जो चेंजेस मेरे को नज़र आई हैं, पहले ज़्यादा चेंजेस नहीं है, यूथ यूथ ही है, शौक में चेंज आया। पहले था कि मीडिया और ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना नहीं था, तो बच्चों को जो कंटेम्प्रेरी स्किल्स हैं वही थे, बहुत ज़्यादा कॉम स्किल्स नहीं आते थे क्योंकि ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था। अब जो चेंजेस नज़र आए हैं कि बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेज रिसोर्सेज हैं, कोई भी अगर कंपनी उनको एल्यूट कर रही है वो पॉसिबल नहीं है, और वो जागरूक हैं, वो जानते हैं इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दे आर टोटली इनटू इट और अपना करियर के लिए कॉन्शियस हैं, नॉलेज के लिए कॉन्शियस हैं और डिमांड भी करते हैं। मैं जैसे कि कॉलेज में हूँ तो जब मेरा इंटरेक्शन होता है, क्योंकि मैं क्लासेस लेती हूँ, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट दे आर प्रोग्राम बिफोर हैंड। जैसे मैं नेक्स्ट क्लास
अगले दिन दे रही हूँ, तो मैं अगर टॉपिक बोल दूँ इस टॉपिक पे ब्रशअप करके आइए, तो वो पहले से ही काफ़ी नॉलेज दे के बैठते हैं। मतलब आप कह रहे हो कि स्टूडेंट्स और ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। एक्टिव हो गए हैं, और किसी टॉपिक पे अगर हम उनको पढ़ाना चाह रहे हैं तो वो अलर्ट है। ये चीज़ पहले नहीं थी, पहले वो जो पढ़ाया जाता था बस वही है। यहाँ पर पहले बुकिश था बहुत, अब ये उनके पास बहुत सारे नॉलेज इनपुट्स हैं, तो इसलिए उनका ज़्यादा अलर्टनेस है दिमाग में, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जागृत हैं, जो पहले नहीं था। पहले जो हमारा मेरा रोल था बहुत ज़्यादा कॉम स्किल्स पे फोकस करते थे, अभी इतना कॉम स्किल्स पे फोकस नहीं करना होता, काउंसलिंग पे ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि ऑनलाइन के पॉजिटिव्स भी हैं, थोड़े से नेगेटिव्स भी हैं। नेगेटिव इन द सेंस कि गुमराह हो जाते हैं कई बार बच्चे, कई बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए आई थिंक पेरेंटल रोल भी रहता है, बट मी एज अ मेंटर ऑल्सो, एज अ काउंसलर, एज अ प्रोफेसर, मैं उनको इसी डायरेक्शन में उसको जागृत करती हूँ और होना भी चाहिए। स्टूडेंट्स कितने भी एक्टिव हुए हो पहले से, या मगर जब करियर की बात आती है तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर कोई बंदा यूनिवर्सिटी में चला गया, मैं चला गया यूनिवर्सिटी में, मैं कुछ और सोच के गया था कि मतलब मेरे को इस फील्ड में जाना है, एंड में जब प्लेसमेंट की बात आई मैं कहीं और चला गया। आपने भी ये चीज़ें बहुत देखी होगी क्योंकि यू आर अ प्लेसमेंट हेड, तो आपने ये सब चीज़ें फेस करी होंगी कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में कुछ और करने के लिए आता है, जॉब के लिए फिर कहीं और जाता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि करियर में करना क्या है मेरे को, कई स्टूडेंट्स और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हाउ यू डील विद दीज सिचुएशंस, और क्या एडवाइस रहेगी आपके स्टूडेंट्स को इस रिलेटेड? बहुत सही आप बता रहे हैं, जो कॉमन है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनको पता होता है क्या बनना है, और वो सही डायरेक्शन में उस चीज उसके अपने लक्ष्य की तरफ अपने आप को समर्थ बना रहे हैं और अपना पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी कोर्सेज कर रहे हैं उस हिसाब से कर रहे हैं। बट ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं उनको नहीं मालूम होता, वो पीयर प्रेशर होता है कई बार, कई बार अपने पेरेंट्स जो कह रहे हैं कि मैं नहीं बन पाया, चल तू बन जा, उस फ्रेम में आ, हमारे इंडिया में थोड़ा ज़्यादा ही है। तो इसमें जो बच्चा है, मैं ये कहना चाहूँगी, बनना कुछ और चाहता है बट फैमिली प्रेशर या पीयर प्रेशर है, फ्रेंड्स है या रिलेशंस में है कि लोग क्या कहेंगे, और इस चीज़ में आ जाते हैं। स्टूडेंट्स को हर क्लास में एक मेंटर प्रोफेसर दिया गया है, उनको कुछ स्टूडेंट्स को मेंटर्स जैसे ग्रुप्स बना देते हैं, जो चीज़ उनको डिस्टर्ब कर रही है वो शेयर कर सकते हैं, तो इससे उनका मन बहुत हल्का होता है। सेकंड स्टेज आती है जब वो मेरे पास आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए या ट्रेनिंग्स के लिए या इंटर्नशिप्स के लिए, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, जब भी वो आते हैं, सो वी आर वेरी ओपन, एक माहौल बनाते हैं कि इसमें वो अपना बात कह सकें। अगर आप सही तरीके से उनको कंफर्ट लेवल देते हैं कि हाँ भाई अपनी बात बताएं, तो वो बहुत बहुत मैटर करता है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में बहुत ज़्यादा उलझने होती हैं। हम लोग जैसे जितना हम साइकोलॉजी बच्चे की समझें उतना ही कम है, बहुत तरह की परेशानियाँ होती हैं कि स्ट्रेस होता है, ट्रैवलिंग स्ट्रेस है, खाने का स्ट्रेस है, बार बार बीमार हो जाते हैं, अपने घर से छोड़ के जो आते हैं हॉस्टल में या बाहर रह रहे हैं, तो इस तरह से किसी ने कुछ कह दिया, टीचर ने कुछ कह दिया, इंटेंशनल अनइंटेंशनल कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये सब माहौल अलग होता है और उनके ग्रोइंग में ईयर्स में बहुत इम्पोर्टेंटली शेप करता है, तो इस चीज़ में हम लोग बहुत तत्पर हैं एंड वी ऑलवेज काउंसल हैं। और उन्होंने क्या सोचा है, सबसे पहले तो उनके स्किल टेस्ट होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, उसमें उनकी क्या स्किल ग्रेडेंट है। इफ़ यू आर अवेयर देन CBSE की तरफ से भी जब 11th में जाता है बच्चा तो उसके स्किल सेट मेजर होते हैं, सो देर इज़ अ स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट विच द स्टूडेंट हैज़ टू गिव, उसमें पैरामीटर्स के हिसाब से जो स्किल स्कोरिंग है उस हिसाब से ही उसको वो सब्जेक्ट दिया जाता है, इफ़ यू आर नोइंग, बिकॉज मेरे बेटे और बेटी का भी ऐसे ही लिया था। सो उसके बाद कॉलेज में भी अगर दुविधा आती है तो हम साइकोमेट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं, और भी कई तरीके हैं उनको समझाने के या उनको समझने में,
क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है फ्लेक्सी सिस्टम है, जिसमें आपने अगर मेजर सब्जेक्ट लिए उसके साथ माइनर वो सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आपकी चॉइस का है। आपके अकॉर्डिंग क्या चेंज होना चाहिए हमारे एजुकेशन सेक्टर में, जो आपके अकॉर्डिंग कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसकी जगह कुछ और होना चाहिए? बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, आपका आपकी क्या राय है इस पर? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है NEP, अगर आप उसको देखें तो उसमें और कोई स्कोप रह नहीं जाता चेंज का, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा वाला चेंज किया है और काफ़ी साल बाद, मतलब बहुत सोच के एक एक स्टेप को उन्होंने लिया है और फर्दर चेंज होना है। बट ये जो NEP जो एप्लीकेबल है अभी, तो उसमें अभी देखेंगे कि क्या चीज़ उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको और बेटर किया जा सकता है। मैम, हमने जैसे स्टूडेंट से बात करी तो स्टूडेंट का मोस्टली यही कहना है कि मतलब जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है उसको उसी में पढ़ाओ। जैसे फॉरेन में होता है उनको स्टार्टिंग में बचपन से ही उसी चीज़ में पढ़ाते हैं, जैसे किसी को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो स्टार्टिंग में ही है, जो कि हमारे इंडिया में नहीं है। और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि भाई तेरे को इंजीनियर बनना है तो बनना ही है, डॉक्टर बनना है तो बनना ही है, तेरे पापा भी थे। तो ये चीज़ चेंज होनी चाहिए पेरेंट्स में, ये मैंटेलिटी चेंज होनी चाहिए, बच्चे को जो करना है उसको करने दो। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। सो मैं इसके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री इन एवरी वे, इकोनॉमी को ले लीजिए या आप फैमिली के एक एवरेज फैमिली को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पेरेंट्स को जागरूक होने की, कि अपने बच्चे को पहचाने, क्योंकि मैक्सिमम जो मिडिल क्लास है हमारे इंडिया की या लोअर क्लास है या अपर क्लास में भी कई केसेस मैंने देखे हैं, वो अपनी लाइफ में इतने उलझे होते हैं या इतने बिजी होते हैं कि वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मदर है वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हुए या बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हुए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बच्चा चाहता है कि उसको इमोशनल स्टेबिलिटी, एक जो प्यार होता है, एक स्पर्श होता है और एक माहौल होता है घर का जिसमें उसको प्यार मिले, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी फैमिली पेरेंट्स हैं वो ये चीज़ दे सकते हैं अपने बच्चे को। दूसरी बात, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना। अगर पेरेंट में से दोनों ही वर्किंग हैं और वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो उनको ये सीरियसली सोचना पड़ेगा कि कैसे हम कोई ऐसी चेंज करें अपनी लाइफ में कि हम थोड़ा टाइम बच्चे को दें, उसको समझें वो क्या कहना चाहता है, क्या बनना चाहता है, क्या सीखना चाहता है, वो अपनी स्किल्स जो बचपन में डेवलप करना चाहता है, जो रुझान है अगर सपोज़ पेंटिंग की तरफ है तो उस चीज़ को कैसे अचीव करें। तो मैम, आप प्लेसमेंट हेड हो, क्या आपको लगता है इज़ देयर अ डाउनफॉल इन जॉब्स? जब आप इस दौर में आप देख रहे हैं जितने भी यूथ हैं एंटरप्रेन्योरशिप में की तरफ आकर्षित हैं, प्रधानमंत्री बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं कि भी स्टूडेंट्स ये एंटरप्रेन्योरशिप या इंक्यूबेशन सेंटर्स खोल रखे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी हैं और स्टूडेंट्स वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज अपने आइडियाज़ को डेवलप करते हैं और उनको शेप देते हैं। आई थिंक जॉब्स की कमी नहीं है, डिपेंड करता है बच्चा किस डायरेक्शन में देख रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप में देख रहा है तो कमी नहीं है, कॉर्पोरेट जॉब्स में इट गोज विद द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है अगर थोड़ा रिसेशन में आई है तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा जो कि नॉर्मल है। इन जनरल डाउनफॉल नहीं है जॉब्स का, कोई डाउनफॉल नहीं है। तो मैम, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा, प्लेस भी करवाया होगा, तो कोई एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी जिससे हमारी ऑडियंस जो है, हम लोग जो है, इंस्पायर हो। स्टोरीज तो बहुत हैं और रियल लाइफ स्टोरीज हैं और ये सब स्टूडेंट्स जिनके लिए मैं कुछ बोल रही हूँ ये सब मेरी लाइफ में आज भी जुड़े हुए हैं। कहीं भी मैं होती हूँ, सपोज मैं विदेश में भी अगर US या UK टूर कर रही हूँ या जर्मनी में जा रही हूँ या बर्लिन में हूँ, और जो जिसको पता चल जाता है वो जरूर मिलने आते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू शेयर कि इतने वो इतना प्यार उमड़ के आता है, मैं बता नहीं सकती। इट्स रियली वेरी सेंटिमेंटल मोमेंट। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है जो मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। हमारे स्टूडेंट्स थे और आई थिंक एशियन पेंट्स या बिरला कंपनी थी जिन कुछ साल पहले की बात है, तो देवर टू कम टू द कैंपस, उनके नॉर्थ एंड डे आना था
श्रीवास्तव जी हैं जो वाइस चांसलर भी बने थे, तो ही वॉज हेयर एंड उन्होंने इंटरव्यू लेना था. और फाइनल इंटरव्यू जब एक स्टूडेंट्स का था, तो जब मेरी क्योंकि जब आप कह रहे 15 साल पहले, तो 15 साल पहले ऐसे था कि अगर बच्चे के इंटरव्यू है तो उसके पेरेंट्स मेरे से बात करते थे. यानी अब नहीं होता ऐसे, तो वो फर्क है. अब स्टूडेंट ही बात करते हैं. अब स्टूडेंट ही बात करते हैं. उस टाइम पे पेरेंट्स भी जुड़े हुए थे. तो ये पॉजिटिव चीज है या नेगेटिव है? बहुत. अब इसको कैसे देखें? पेरेंट्स ज़्यादा बिजी हो गए हैं या उनका इंटरेस्ट नहीं है, ये जानना बहुत मुश्किल है. बिकॉज हमारे लिए मायने ये रखता है कि बच्चे का कितना इंटरेस्ट है. बट पता नहीं कैसे वो बच्चा मुझे आज भी, मैं जब भी फेसबुक या लिंक्डइन पे उसको अचीवमेंट्स देखती हूँ, मैं बहुत खुशी मिलती है. एंड पर्टिकुलर चाइल्ड था, और नाम मैं थोड़ा नहीं ले रही हूँ अभी, बट उसके मामा कैंसर से पीड़ित थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे. और उनके पापा ने मुझे बताया, उनको पता था, हॉस्टल में रहता था बच्चा, कि भी इसका फाइनल इंटरव्यू है आज. तो उन्होंने मेरे को फिर कॉल किया, तो कैसे जा रहा है, सब सही है? मैंने कहा अभी इसका थोड़ी देर में है इंटरव्यू, तो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल. सो ही इज़ अंडर, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको कम्फर्ट लेवल फील कराना, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं. सो एवरीथिंग वाज देन. उन्होंने मेरे से साझा किया कि उनकी जो वाइफ है, लाइक स्टूडेंट की मदर इज एक्सपायर्ड. तो इट वाज वेरी शॉकिंग. और आप मान नहीं सकते कि कितनी तरह के इमोशंस मेरे बीच में से जा रहे थे. बट आए मेरे को शो नहीं करना था बच्चे को. तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि बच्चे को अभी मत बताना, क्योंकि उसकी इंटरव्यू सही नहीं होगी. एंड ही वॉन द इंटरव्यू, हाथ के हाथ रिजल्ट आ गया. और सब सेलिब्रेशन के बाद जब मैंने उसको बताया, तो उसको 1 हफ्ता लग गया संभालने में उसको. इतना बहुत डिफिकल्ट. एक डिफिकल्ट सा फेज होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, कि दोनों इतना लाइफ की अचीवमेंट. बट ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं, कई स्टूडेंट्स लाइफ में मेरे हैं. सो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. यही मैं उनको समझाती हूँ कि बिकॉज शी वॉज सफरिंग सो मच, सो एंड इन अ हार्ट शी वॉन्टेड यू टू विन दिस जॉब. सो ही इज स्टिल विद द कंपनी, इट्स बीन मोर देन 10 इयर्स नाउ, एंड ही इज डूइंग वेरी वेल. His mother would be very happy, right? Yes, that's very, that brings a smile on his face. Yes. So ma'am, मैं ये देख सकता हूँ कि जितना मैं feel कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों से ज़्यादा connect जो आपके students हैं उनसे कर सकते होंगे, और ये आपके बच्चों की शिकायत भी रहती होगी आपसे. See, जब भी आप किसी professor से बात करेंगे या educationist से बात करेंगे, you will see the passion. कभी भी मैं मानती हूँ कि जो शिक्षक होता है या एजुकेशन में जो बच्चों के लिए परवरिश या बच्चों को संभाल रहा है किसी भी एंगल से, उनको गाइड करना, उनको काउंसल करना और उनको सही राय देना पढ़ाई के लिए और भी ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होते हैं कि टुवर्ड्स पॉजिटिविटी. क्योंकि स्टूडेंट्स जो ज़्यादातर टाइम कॉलेज में यूनिवर्सिटी में बिताते हैं, तो उनके लिए करियर शेप लेता, उनकी पूरी लाइफ कईयों की बहुत पॉजिटिव हो जाती है. वो फॉर्मेटिव ईयर्स याद कहते हैं ना कि 1 to 5 years, 6 years फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं. सो दोज आर दोज चाइल्डहुड फॉर्मेटिव ईयर्स. और कॉलेज में आके ये फॉर्मेटिव करियर फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं इसलिए यही कहूँगी कि जब भी आप स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज़ करें, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंटरेक्ट करें वहाँ के कॉलेजेस के. आप हमारे आएंगे तो आप देखेंगे कि कॉलेज टूर होता है. वी टेक द पेरेंट्स एंड द पैटर्न्स एंड जो रिलेटिव्स हैं उनको पूरे कॉलेज का टूर कराते हैं, देखते हैं, मिलवाते हैं. तो ये बॉन्ड सिर्फ स्टूडेंट के साथ नहीं बनता, बल्कि उनकी फैमिली भी फिर इसमें कनेक्ट हो पाती है. बिल्कुल. तो मैम, आपके पास ऐसी कोई स्टोरी होगी कि जहाँ पर आपको स्टूडेंट को खुद सपोर्ट करना पड़ा और पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं वहाँ पर, जैसे लड़की है वो पढ़ती है, फिर शादी के बाद बहुत सारी ऐसी जगह है नहीं पढ़ पाती है वो. तो ऐसी कोई स्टोरी, और किस तरीके से आपने उस चीज़ को हैंडल किया फिर उधर?
कोरोना टाइम में आपसे मैं शेयर कर रही हूँ कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो कि कोर सब्जेक्ट है उसमें ही अप्लाइड साइंसेस में मेरे पास बहुत सारे हरियाणा की स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनमें बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत कुछ करना चाहते हैं और पैसे की कमी नहीं है, बट क्योंकि उनकी सोसाइटी इस तरह से है कि इस एक्स एज आने के बाद उनकी इमीडिएटली शादी हो जाती है और स्पेशली अगर मास्टर्स की है तो ज़्यादा अच्छा घर मिलता है और उसके बाद जो उनकी लाइफ होती है आंसू आ जाएंगे आपके अगर आप देखेंगे। कई बार कई फैमिलीज में स्टूडेंट्स मेरे को कॉल करते हैं कि रूरल जो एरिया है वो अभी मेंटली उस हिसाब से नहीं होते हैं कि जैसे शादी के लिए बंधन में बंधे, बट पढ़ना चाहते हैं वो। ऐसे कई सिचुएशंस मेरे साथ मेरे पास जो बच्चों के आए और मैंने उनको फिर गाइड किया। इसमें ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली। तो ऑनलाइन एजुकेशन जब कोरोना चल रहा था या कोरोना के बाद में, तो हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जॉब भी दिलाई है ऑनलाइन, क्योंकि फिज़िक्स केमिस्ट्री की बहुत डिमांड है एक्सपर्ट्स की और फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स, और उनको कुछ और नॉलेज और पढ़ाई करनी थी वो भी हमने ऑनलाइन के ज़रिए उनको आइडियाज़ दिए, उनको लीड्स दी, उनको एड्रेस बताए कि यहाँ से कर लीजिए, और काफ़ी इंटरव्यूज़ के लिए भी मैंने ग्रूम किया। और आई एम हैप्पी टू से दैट दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि उनको एक एस्केप चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि पेरेंट्स को वो ना नहीं कर पा रहे। ठीक है, शादी करनी है और वो उनके फैमिली में एक है, तो अब जब हो गई ये शादी तो उसके बाद वो अपने लिए थोड़ा टाइम अपने नॉलेज के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी जॉब के लिए, तो एक एवेन्यू जो इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन का, आई एम वेरी हैप्पी। तो इसीलिए कॉलेज टूर जो हमारी कंपनी है, तो हमने मैरिड वुमेन जो भी ऑनलाइन डिग्री करेगी उनको हम एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि फिर से एक नई चीज़ स्टार्ट करना, जो चीज़ छोड़ी होती है तो फिर ठीक है, ये उनके लिए एक स्ट्रगल है, तो बहुत ही अच्छी, ताकि मतलब और ज़्यादा जो वुमेन है वो इंस्पायर हो कि नहीं हमें भी करना है। अगर कोई है वो, क्योंकि हमने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज देखी है, मतलब डिग्री हाफ कम्प्लीटेड है, उसके बाद शादी हुई, डिग्री कम्प्लीट ही नहीं हो पाई, तो उसके बाद तो वो ऑफलाइन जा ही नहीं सकते, तो अगर ऑप्शन अब कोई देता है तो वो ऑनलाइन ही देता है। तो ये चेंज जो एजुकेशन सेक्टर में आया ये काफ़ी पॉजिटिव है। दैट इज़ वेरी नाइस, मेरे ख्याल से इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा और बहुत अच्छा करेंगे अपने करियर में, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। हाँ, बिल्कुल, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि आप पढ़ते भी हो इस टाइम पे, बीइंग एन असिस्टेंट डायरेक्टर, और आप साथ में पढ़ भी रहे हो। बिल्कुल, ये मेरा शौक है, और आई थिंक जो कुछ कुछ आपको लाइफ में अपने लिए टाइम निकालना चाहिए अपने शौक के लिए, तो ऑनलाइन एजुकेशन अगर आप की कंपनी में कुछ ऐसे एवेन्यूज होते हैं कि जो लेडीज़ हैं जिन्होंने अपने करियर में कुछ ब्रेक ले लिया है और वापस से ज्वाइन करना चाहते हैं अपने कुछ पढ़ाई करके या अपस्किल करके, सो आई थिंक दिस विल बी अ वेरी गोल्डन चांस। तो मैम आपका बहुत ज़्यादा प्रेशियस टाइम है, तो काफ़ी लंबी बात हो गई, तो एक एडवाइस क्या देना चाहोगे आप यंगस्टर्स को, स्टूडेंट्स को? मैं स्टूडेंट से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कह लीजिए, एडवाइस कह लीजिए, और एज अ फ्रेंड मशवरा कह लीजिए, ये कहूँगी कि सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट नो योरसेल्फ। सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ जहाँ से शुरू हुई है वो उन्हीं से शुरू है, और अपने आप को पहचाने, और कम से कम 10 मिनट रोज, भले सोने से पहले भले जागने से बाद, अपने बेड पे आइज बंद करके बैठे और अपने अपने लिए 10 मिनट निकालें और एक अपना सिंथेसिस करें, अपना जैसे संक्षेप में अपने आप को ऊपर से लेकर नीचे तक देखें कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, कौन से सन में पैदा हुआ, अब क्या सन चल रहा है और आगे की राह पे मैंने क्या पकड़ना। अगर जिस दिन स्टूडेंट ये समझ लेगा कि मैं क्या हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ, तो आई थिंक आधी से आधा स्टूडेंट जो हैं वो बहुत कुछ जीत पाएंगे। मैं कहती हूँ जो कंफ्यूज स्टूडेंट्स हैं या जो दुविधा में हैं
या जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी और बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, ये मेरा उद्देश्य। थैंक यू सो मच मैम, आपने जो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस इंस्पायरिंग वर्ड शेयर किया वो हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। तो मैम एंड में एक सरप्राइज है थोड़ा सा, तो एक क्विज रहेगा, आपको तीन ऑप्शंस दिए जाएंगे तो आपको उसमें से एक चूज करना है, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स या एजुकेशन। आई थिंक मैं एजुकेशन से हूँ तो एजुकेशन ही ठीक है। तो एजुकेशन में हूँ, अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू कॉलेज एट वाराणसी विच वॉज लेटर कन्वर्टेड इंटू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ऑप्शंस है मदन मोहन मालविया, एनी बेसंत, बाल गगनधर तिलक, जमुना लाल बजाज। I think a tricky question. Yes, ma'am. But if you look at the era, कौन से साल में था ये approximate? 80-90s के आसपास। ये एक मेरी तरफ से hint आपको। I think उस time Annie Besant. Yes, ma'am. It's absolutely right. So ma'am, thank you so much कि आप हमारे studio आए। Thank you. जैसे youngsters की बात हो रही थी, स्टूडेंट्स की बात हो रही थी, तो मेरे को एक शहर दिमाग में आ रहा था, डॉक्टर इकबाल एक बहुत बड़े शहर है, तो उनका एक शहर था तू शाहीन है परवाज है काम तेरा। शाहीन ईगल को कहते हैं उर्दू में और परवाज उड़ने को कहते हैं। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने अभी आसमान और भी है। सो मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले गेस्ट के साथ, टिल देन स्टे हैप्पी स्टे मोटिवेटेड।